नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। संगम नगरी प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां उपनिरीक्षक दुकानदार के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी का दुकानदार के साथ मारपीट का ये पूरा मामला खीरी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि जैसे ही उपनिरीक्षक को पता चला कि उसकी हरकतों का वीडियो बनाया जा रहा है तो वो शांत हो गया। मारपीट में उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आया, जहां पे दुकानदार के साथ पुलिसकर्मी का ये मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं जब पुलिसकर्मी को इसकी भनक लगी कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है तो वो बिल्कुल शांत हो गया, ऐसा कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो, और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मारपीट में उपनिरीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। आपको बता दें कि ये मामला थाना खीरी का है, जहां पे संगम नगरी प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र में पुलिसकर्मी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वही इसमें तमाम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत। इंद्रजीत, ये पुलिस के जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसका मामला क्या है? इसका पूरा मामला ये था कि ये पुलिसकर्मी वहां पर अपने मित्र के साथ गया था मोबाइल का चार्जर खरीदने। जब उसने चार्जर खरीदा तो उसके बाद चूंकि वो चार्जर लोकल कंपनी का था, इस वजह से वो खराब हो गया। इस विषय पर जब उसने दुकानदार से बात करी तो दुकानदार ने इस पर किसी प्रकार की मदद करने से अनभिज्ञता जताई, जिसके बाद इस पुलिसकर्मी ने पहले अपने साथी के साथ मिलकर इसके खिलाफ बमबारी का मामला तय किया। करने के बाद उससे तहरीर लेकर उसके दुकान पर पहुंचा और उसको सीधे तौर पर धमकाया कि या तो तुम हम मेरे को नया मोबाइल दोगे, नहीं तो मैं तुमको इस केस में फंसा दूंगा। जिस पे बात आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद इसमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद पुलिस वाले ने अपना आपा खो दिया और उसने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वीडियो बन रहा था दुकान में, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, जिस वजह से वो जब उसको ध्यान आया कि ये सीसीटीवी कैमरे और सामने मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना हाथ रोक दिया और रोक के अपने आप को पीछे ले लिया। इंद्रजीत, ये वीडियो किसने बनाया है? वहाँ पे मौजूद लोगों ने या दुकानदार ने इस वीडियो को बना के वायरल किया है? ये वीडियो जो बनाया था वो पीड़ित दुकानदार के छोटे भाई ने बनाया था जो वहाँ पे मौजूद था, और उसने ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस वीडियो को वायरल किया, क्योंकि वहाँ पे लोकल लेवल पे उसको कोई मदद नहीं मिल रही थी और पुलिस के कोई अधिकारी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और ये मामला जो था ये मामूली चार्जर बदलने के ऊपर था, जिसके बाद पुलिस ने अपना आपा खोकर मारपीट शुरू कर दी। जी हाँ, ये आम बात है। गांव प्रयागराज के गांव देहात की ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। इससे पहले भी खीरी थाना अंतर्गत थाना अध्यक्ष द्वारा मारपीट करना और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। कछरा थाने के एसएचओ का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे उसने अपराधी को जल्दी जल्दी गाली देते हुए उसको जेल भेजने की बात कही थी। इस तरह के कई मामले यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बराबर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें उच्च अधिकारी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इंद्रजीत, ये जो वीडियो वायरल होते हैं, जैसे आपने बताया सीओ के भी वीडियो वायरल हुए हैं और अब पुलिस वाले का भी मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, तो इस पे प्रशासन कुछ अपने हरकत में आ रही है, कुछ एक्शन ले रही है? प्रशासन का एक एक तरफा जवाब होता है कि हम इस पे प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई करने के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मामला यह हो जाता है कि कुछ दिनों के लिए सजाइन हाजिर किया जाता है और जैसे ही महीना कुछ दिनों बाद इन लोग आपस में क्या जांच पड़ताल करते हैं उसको वापस पुनः उसी थाने पे उसी पुलिस चौकी में पोस्टेड कर दिया जाता है और वो फिर अपने आप को वहीं पर फिर से दबंगे या फिर शुरू कर देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत। क्योंकि अधिकारी ज्यादा उस पर मामले पर प्रभाव नहीं लेते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, इसलिए वो खुले तौर पर कहते हैं कि कोई अधिकारी मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आप चाहे जो कर लो। जी इंद्रजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहेंगे राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।